Hello students, I hope all of you are in good health. So today we are going to discuss about application of demand and supply analysis. Okay, so this is the final topic that we are going to talk about. So demand and supply analysis is not only studied for theoretical purpose, but it has many practical aspects. It is used to study exchange rate, production subsidy, commodity taxation, price stabilization of basic commodities, etc. So, in your syllabus, it is confined only to study about price control policies. Okay, so there are mainly two types of price control policy. One is maximum price ceiling and the other is minimum price floor. Okay, abhi price control kaise kabhi kabhi kya hota hai, tumhara government ko lagta hai ki kuch cheeze kuch necessary cheeze bahut zyada high price ho raha hai, theek hai, wo common man ya poor aadmi ke liye wo khareedne matlab impossible hota hai, tab kya karta hai government ek रेट बांध के देता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा प्राइस फ्लोर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्राइस मतलब ऐसे होता है कि बहुत कम होता है, जो कि तुम्हारा जो प्रोड्यूस करता है उनका भी मतलब मेकअप जो खर्चा होता है वो भी वो मेकअप नहीं कर पाता है, ठीक है। तब भी गवर्नमेंट क्या करता है, एक प्राइस फ्लोर तय करता है, ठीक है, मतलब उससे नीचे और वो मतलब बेच नहीं सकता, और प्राइस सीलिंग का मतलब है कि उससे ऊपर और वो बेच नहीं सकता, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, ठीक है। सो व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस सीलिंग? समटाइम्स यू हर्ड द टर्म दैट कंट्रोल्ड प्राइस, ठीक है। सो कंट्रोल प्राइस क्या होता है? Price fixed by the government is known as control price. और ये control price मतलब government क्यों fix करता है, जबकि demand and supply तो खुद मतलब price determine कर सकते हैं। मैंने last video lecture पे तुम्हें बोला कि कैसे equilibrium point पे तुम्हारा price determine होता है। तो जब market forces demand and supply खुद determine कर सकते हैं, तो यहाँ पर government को intervene करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है। So, government takes action when government find equilibrium price is too high for a common man or poor man to afford the commodity. ठीक है, government क्यों interfere करता है? जब government को लगता है कि वो price common man या गरीब आदमी के लिए मतलब pay करना impossible होता है, ठीक है, तब government तुम्हारा इंटरफेयर करता है, ओके। सो अभी मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, ठीक है। अभी तुम्हारा एक पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, ठीक है। अब उसका मेडिसिन निकल जाएगा तो क्या होगा, वो बहुत हाई प्राइस, उसका हाई प्राइस हो सकता है, जो गरीब आदमी के लिए इम्पॉसिबल होगा कि उस प्राइस में वो खरीद के मतलब मेडिसिन खा सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक फिक्स मतलब एक रेट बांध देगा कि उससे ऊपर कोई भी मेडिकल कंपनी या फार्मासी उस गरीब आदमी को चार्ज नहीं कर सके, गरीब आदमी नहीं, किसी को भी उसके ऊपर वो चार्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा डी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होगा तो क्या होगा, वो बहुत हाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने अभी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको। सो मैंने यहाँ पर दिया है, और तुम्हारा प्राइस सीलिंग हमेशा तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होना पड़ेगा, ठीक है, ये नीचे होना पड़ेगा। अगर ऊपर हो गया तो वो कुछ इफेक्ट का नहीं है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस सीलिंग ऊपर है तो क्या करेंगे लोग, ऑलरेडी मार्केट फोर्स ही
सीलिंग से बहुत नीचे बेच रहा है, ठीक है, तो यही काम चल जाएगा। इसलिए प्राइस सीलिंग क्या होना पड़ेगा, तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि जब प्राइस सीलिंग लगाता है तो क्या होता है, ठीक है। देखो तुम्हारा मार्केट फोर्स यहाँ पर तुम्हारा प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज पीई एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यूई, ठीक है। अभी गवर्नमेंट क्या किया, वो एक प्राइस सीलिंग सेट किया, दैट इज पीसी, यहाँ पर वो प्राइस सेट किया। सपोज इस प्राइस को हम बोलते हैं ₹5 और दिस इज ₹10, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हुआ था तुम्हारा ₹10 पे और तुम्हारा प्राइस सीलिंग सेट किया है ₹5 पे गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, उस सीलिंग पे देखो तुम्हारा क्वांटिटी कितना डिमांड कर रहा है, ठीक है। तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई देखो, जैसे प्राइस रिड्यू, हम लोगों ने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा है कि हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। सो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस तुम्हारा डिक्लाइन होने पर कितना सामान बेच रहा है अभी, क्यूई, ठीक है। प्राइस डिक्लाइन हो जाने पर क्यूई तो बेच रहा है और कंज्यूमर कितना खरीद रहे हैं, Q2, ठीक है। तो कंज्यूमर का डिमांड बढ़ गया है और अभी सप्लाई कम गया है, तो ये तुम्हारा क्या रिजल्ट कर रहा है, प्राइस सीलिंग होने की वजह से ये पॉइंट तुम्हारा शॉर्टेज हो गया है, ठीक है। देखो ओ क्यू टी इज द क्वांटिटी डिमांड एंड ओ क्यू वन इज द क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड यहाँ तक है और क्वांटिटी सप्लाई बस यहाँ तक है। तुम्हारा Q1 और Q2 पॉइंट क्या है, शॉर्टेज है, ठीक है। अभी शॉर्टेज हो गया तो तुम्हारा यहाँ पर प्राइस डिक्लाइन होने से क्या हुआ है, तुम्हारा डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई कम गया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करेगा, एक्सेस डिमांड क्रिएट करेगा, जो कि हम और एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, वो है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर विल नॉट गेट ऑल द क्वांटिटी दे आर रिक्वायर्ड, मतलब कंज्यूमर को जितना चीज़ें चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। अब ये तुम्हारा क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये तुम्हारा ब्लैक मार्केटिंग को जन्म देगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, अभी कंज्यूमर को तो बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, सप्लायर को क्या बोलेगा कि तुम मुझसे ज़्यादा ज़्यादा पैसा चार्ज कर लो पर मुझे वो सामान दे दो। तो ऐसे करने से क्या होगा, वो उसका प्राइस तो ₹5 पे फिक्स हुआ है पर कंज्यूमर अभी उसको डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, मतलब इलीगल प्रैक्टिसेस, दैट इज़ ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट और एक चीज़ कर सकता है, वो है रेशनिंग कर सकता है कि मतलब इस मंथ पे वो उसको इतना क्वांटिटी ही मिलना चाहिए, ठीक है। एक फिक्स क्वांटिटी अगर तय कर देगा तो तुम्हारा ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये है तुम्हारा प्राइस सीलिंग। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम प्राइस फ्लोर, ठीक है। तुम्हारा प्राइस फ्लोर कब इफेक्टिव होगा, जब इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर अगर सेट करेगा तो वो तुम्हारा इफेक्टिव होगा। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे यहाँ पर अगर सेट करेगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी सप्लायर हाई प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर भी इसमें खरीदने के लिए मतलब कैपेबल है। तो वो अगर नीचे करेगा तो क्या ये बेच मतलब ये तुम्हारा सप्लायर यहाँ पर बेचेंगे क्या, नहीं बेचेंगे, तो इसलिए वो एक लिमिट बांध देगा, ठीक है, कि वो पीएफ पे सेल कर सकते हैं। तब मतलब क्या होता है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल व्हीट ही पकड़ लो, ठीक है, तुम्हारा डिमांड डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस की वजह से तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हुआ है सपोज
15 रुपीज़, ठीक है, पर गवर्नमेंट ने सेट किया है 18 रुपीज़। मतलब यहाँ पर जब जो फार्मर बेचता है 15 रुपीज़ से, उसका जो खर्चा होता है उससे वो मेकअप नहीं कर पाता है, वो कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने किया क्या, ताकि तुम्हारा उसका भी प्रॉफिट अर्न कर सके और वो भी तुम्हारा प्रॉफिट में रहे, इसलिए वो प्राइस 18 को सेट करता है, ठीक है, ताकि फार्मर का भी लॉस ना हो। इससे नीचे वो नहीं बेच सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा इसका इफेक्ट देखो, अभी क्या हुआ, वो प्राइस फ्लोर जब सेट किया तो क्या हुआ, डिमांड प्राइस बढ़ गया है, तो क्या हुआ, डिमांड कम गया है, ठीक है, यहाँ पर डिमांड कम गया है और सप्लाई क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, जब प्राइस फ्लोर सेट किया तो डिमांड कम गया और क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया। अब क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सरप्लस होगा, ठीक है, यहाँ पर सरप्लस हो रहा है, ये पॉइंट, ये तुम्हारा सरप्लस है, ठीक है। मतलब लोग कम डिमांड कर रहे हैं, पर यहाँ इस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचने के लिए Q2, मतलब सॉरी, यहाँ पर OQ2, OQ1 डिमांड कर रहे हैं और OQ2 वो बेचना चाह रहा है, ठीक है। तो कितना सरप्लस है, Q1 एंड Q1 टू Q2, मतलब ये पोर्शन तुम्हारा सरप्लस है, ठीक है, सरप्लस है, मतलब ज़्यादा है। तो अभी क्या होगा, अभी तो प्रोड्यूसर मतलब को डिमांड कम गया है, तब प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अभी प्रोड्यूसर को तो मतलब उनका चीज़ें कोई नहीं खरीद रहा है, तब वो क्या करेंगे, वो कंज्यूमर को बोलेंगे कि तुम इसी तुम्हारे तुम 15 रुपीज़ पे खरीद लो, मुझे बस बिल 18 का दे दो, ठीक है। तो ऐसे करने से भी और एक इलीगल ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है, होता है, ठीक है। तो इलीगल ट्रेडिंग यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी दाम बढ़ने पर कोई खरीदेगा नहीं उसका चीज़, तो खरीदेगा नहीं तब प्रोड्यूसर क्या बोलेगा। कभी कभी हम लोग मार्केट पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारा सप्लाई होता है, तब क्या होता है, उसका मतलब कोई खरीदता नहीं है, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 18 रुपीज़, तो उससे नीचे भी वो नहीं बेच सकता, तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर को बोलेगा कि तुम मेरे से 15 रुपीज़ पर ही खरीदो और मुझे बिल बस 18 का देना, तब यहाँ पर और इलीगल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, विद द हेल्प ऑफ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वेदर खराब होने की वजह से या फिर वेदर फ्लक्चुएशन होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन अप डाउन हो सकता है, तो तब गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब थोड़ा बहुत वो खर्चा करके वो मतलब उसके जो वेस्ट होगा या फिर मतलब जो खर्चा है उसका थोड़ा बहुत वो भरपाई, मतलब गवर्नमेंट हेल्प करता है भरपाई करने में, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत सारे चीज़ों का तुम्हें बहुत सारे चीज़ों का गवर्नमेंट MS तुम्हारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करके रखता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी थिंग टू आस्क, यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू।